हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने चैनल रियल 91 पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर कक्षा 8वीं का जो सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर होने वाला है सीजी बोर्ड का, वो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर लेके आ गए हैं विद सॉल्यूशन के साथ दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो 80 आपका पूरा अंक होने वाला है और आपका मीडियम हिंदी रहेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद चलिए हम यहाँ पर पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं और पूरा का पूरा पेपर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। तो चलिए यहाँ पर पहले हम वस्तु नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो आपका 2 अंक का रहने वाला है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प को चुनकर लिखिए। तो पहला आपका है छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक माना जाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर आ सही हो जाएगा, पंडित माधव राव सप्रे को, ठीक है ना। इसके बाद आपका सेकंड है यहाँ पर चित्र को पहचान कर सही उत्तर बताइए। तो आपके चित्र में यहाँ पर देख सकते हो ये कौन है, आपको पता तो होना ही चाहिए। तो ये आपके ये नहीं है कोलंबस नहीं है मार्टिन नहीं है, ये आपका गैलीलियो है, ठीक है ना। तो ये आपके चित्र में यहाँ पर कौन है, गैलीलियो, तो ये आपका बी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद आपका तीसरा है यहाँ पर आप अपने घर से दुकान गए, वहाँ से आपने ब्रेड दूध चाय पत्ती पैकेट खरीदे, लौटते समय आप सब्जी वाले से टमाटर खरीदा, तो आपको किस पर GST नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर टमाटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टमाटर पर आपको GST नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद आपका चौथा है आप श्याम सिंह और सैंपस कोर्ट से सज़ा सुना दिया, ठीक है ना, सत्र न्यायालय ने सज़ा सुना दिया गया। यदि आप फैसला से असंतुष्ट हो तो यहाँ पर न्याय पाने के लिए आगे किस न्यायालय में जाएंगे, तो यहाँ पर सीधा है उच्च न्यायालय में जाएंगे, चौधरी का आपका उच्च न्यायालय यानी कि आ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका पांचवा है यहाँ पर देख सकते हो नवीनकरणीय संसाधन है, तो यहाँ पर देख सकते हो मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता है, मतलब ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पर जल देख सकते हो, जल कभी ख़त्म नहीं होता है और वायु जो हम सांस लेते हैं सो ये भी कभी ख़त्म नहीं होती, मृदा यानी मिट्टी भी ख़त्म नहीं होती, कोयला जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, 2, 3 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर जल वायु और मृदा हो जाएगा इसका सही आंसर, सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका छठवां है दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई जा रही गोठान योजना से प्राप्त गोबर का उपयोग, गोबर का उपयोग यहाँ पर आपका छठवां का हो जाएगा, बाद जैविक खाद बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका जैविक खाद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका सातवां क्वेश्चन दिया गया है निम्न घटनाओं को घटित तिथि के क्रम अनुसार लिखिए, ठीक है ना, तो इसको आपको क्रम में लिखना है। इसके बाद आप आठवां है भूमकाल विद्रोह कब एवं कहाँ हुआ था, यहाँ पर देख सकते हो। नौवां क्वेश्चन है आपका वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन थे, भारत राष्ट्रपति बनना चाहते थे और तो कौन कौन सी योग्यताएँ होनी चाहिए, ठीक है ना, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएँ भी लिखनी है आपको। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन अधिक क्यों होता है और CCIDES समझौते के उद्देश्यों को लिखिए यहाँ पर। इसके बाद आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन दिया गया है 1857 संतरा संग्राम की उनकी भूमिका लिखिए, यहाँ पर नाम लिखना है और उनकी भूमिका लिखना है, चित्र में कौन है, यहाँ पर सेकंड नंबर 3 के बारे में लिखना है आपको, बायोगैस का नामांकित चित्र और 3 लाभ बताने हैं आपको। 14वां क्वेश्चन देख सकते हो। इसके बाद 15वां प्रश्न है आपका यहाँ पर देख सकते हो, 16वां प्रश्न है ये आपका, 16 प्रश्न के बाद ये आपका यहाँ पर दिया गया है मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कीजिए और लोकसभा राज्यसभा में 5 अंतर लिखने हैं आपको। ये आपके 17 प्रश्न हो चुके हैं, 1 से 17 तक के पूरे प्रश्न हो चुके हैं, जिसमें से मैंने आपको सभी वस्तुनिष्ठ का सॉल्यूशन बता दिया है। जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आपका सॉल्यूशन मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में जरूर लाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर।